फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज कहने को तो स्मार्ट सिटी है, मगर हकीकत गांव से भी खराब है। ये ऐतिहासिक मुट्ठीगंज चौराहे का नज़ारा है। बता दें, मुट्ठीगंज बड़ा चौराहा शहर दक्षिणी के एक प्रमुख मार्गों में से एक है, जहां की सड़कें आप देख सकते हैं किस तरह से बदतर हाल है। और इन बड़े बड़े गड्ढों से ही गाड़ियों को यहाँ गुजरना पड़ता है, और बारिश के कारण ये सड़क तालाब बन जाती है, जिससे कई बार लोग रात में दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और चोटिल होते हैं। आप देख सकते हैं इस सड़क पर किस तरह से बड़े बड़े गड्ढे हैं और किस तरह की समस्या होती है लोगों को। मगर जिम्मेदारों की बात करें तो ना ही उनको कोई फिक्र है, ना ही कोई परवाह। इस क्षेत्र से शहर दक्षिणी विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी हैं, जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, उसके बावजूद उनकी क्षेत्र की सड़क किस तरह से बदहाल है और किस तरह से अपनी बदहाली पर रो रही हैं, और क्या कुछ कहना स्थानीय लोगों का, आइए दिखाते हैं आपको। भाई, बहुत बड़ी समस्या है। सारे पूरा मोहल्ला, पूरे लोग, सारे आने जाने वाले लोग गिर जा रहे हैं, भरा जा रहे हैं। कोई इस पे गोली नहीं रहा, ना कोई इस पे काम कर रहा है। इसको मुट्ठीगंज का ऐतिहासिक चौराहा, इसको देखिए आप लोग, इसको दिखाइए मीडिया के माध्यम से, बनना भी चाहिए। विधायक यहाँ पे माननीय नंद गोपाल गुप्ता नंदी मंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, सब आते, चौराहे कार्यालय भी है, सबको दिखवाइए। परेशानी तो हम लोग तो जान रहे हैं, अवगत हैं कि यहाँ गड्ढा है, बच्चे चलेंगे, लेकिन जो अनजान व्यक्ति है, इस जाने व्यक्ति वाला, वो अनजान है, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, बच्चे स्कूटर चला जाते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं। हम लोग बचाते हैं, हम लोग बचाते हैं, लेकिन कब तक बचाएंगे? कई ज्यादा चोट लग गई तो रात में, ये रात में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते क्या है, इस रोड से जितनी भी शहर के अंदर जितनी ट्रकें आती हैं, मुट्ठीगंज के अंदर ट्रकें आती इसी रोड से जाती है, और खुदा ना खास्ता उसमें जो है 25 टन 20 टन माल लदा है, खुदा ना खास्ता अगर माल ही पलट जाए तो उस बेचारे के लिए कितनी बड़ी समस्या है। हमारा तो शाम चल रहा है समस्या। प्रयागराज का एक ऐसा मंदिर जहां अपनी किस्मत खोलने के लिए ताला लगाना पड़ता है। बता दें, मुट्ठीगंज स्थित भगवान शिव का ये मंदिर हजारों वर्ष पुराना है और इसे नाथेश्वर नाथ मंदिर कहा जाता है। मंदिर के पुजारी के अनुसार इसे यहाँ पर शिवलिंग नाथों के द्वारा स्थापित की गई थी, और सबसे बड़ी बात है इसमें शिलालेख मंदिर के पीछे के हिस्से में है, जिसमें उर्दू या फारसी या अरबी में लिखा है, जो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मंदिर के पुजारी का ये भी कहना है कि जिस तरह से नाथों द्वारा इस मंदिर को स्थापित किया गया है, इसका ASI सर्वे कराना चाहिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, और साथ ही इसे पर्यटन में शामिल कराना चाहिए। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, ये मंदिर स्वयं शिवलिंग को नाथों के द्वारा स्थापित किया गया था। भगवान शिव के जो नाथ होते हैं, इंसानी दुनिया के पहले दुनिया देवों की थी, देवों के पहले नाथों की दुनिया थी, ये हमारे किताबों में शास्त्रों में वर्णित है। तो उन देवों ने अपने आराध्य भगवान शिव की आराधना के लिए इस शिवलिंग का निर्माण किया था। फिर करीब 1000 से 1200 वर्ष पूर्व इस भव्य इमारत का निर्माण उस समय के किसी इनके भक्त ने, चाहने वाले ने कराया। तब से ये चीजें चली आ रही हैं, दिन पर दिन मंदिर खंडहर होती जा रही थी। करीब 20 वर्षों की मेहनत के बाद, हमारे महंत आदरणीय शिवम मिश्रा जी के मेहनत के फल स्वरूप, आज इतना छोटे जगह में आप थोड़ा सा इनकी दिव्यता पा रहे हैं, भव्यता पा रहे हैं। और ये ताले जो आप देख रहे हैं, ये मनोकामना पूर्ति से पूर्व संकल्पित होकर ये ताले लगाए जाते हैं, जाएगा जिसमें फारसी या अरबी, इसमें अभी द्वंद चल रहा है क्योंकि हम ब्राह्मण समाज से हैं, तो मुझे वो नॉलेज नहीं है। अरबी या फारसी का वो शिलालेख है। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई जानकार आए, पढ़े, तो उसको अपना देख के उसका क्या अर्थ है हमें बताने का कष्ट करे, हम उसके शुक्रगुजार रहेंगे। और अपने चैनल के माध्यम से हम एक बार फिर से आप लोगों के माध्यम से गुजारिश करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि इस भव्य प्राचीन नाथों के द्वारा स्थापित मंदिर का संज्ञान लेकर इसका एक ASI सर्वे कराकर पर्यटन के द्वारा लोगों के लिए एक इसका दिव्य और भव्य स्वरूप बनाने की कृपा करें। हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभम द्विवेदी, पुजारी, प्राचीन श्रीनाथेश्वर महादेव मंदिर। पहली बात तो ये जानने की चाहिए कि नाथ संप्रदाय एक संप्रदाय है, ये नाथों के द्वारा स्थापित की गई शिवलिंग है, उसके बाद नाथ संप्रदाय बना। ये ओरिजिनल नाथ जो शिव ने गढ़ बनाया था सृष्टि के निर्माणों के लिए, अभी बड़े बड़े धर्माचार्यों को ये भी नहीं पता कि सृष्टि का निर्माण किसने किया। सृष्टि का निर्माण उनके लेखों में है कि देवों ने किया, लेकिन सृष्टि का निर्माण नाथों के द्वारा किया गया है, जिनके द्वारा 9 शिला इस धरती पे आई है। पूरे ब्रह्मांड में 9 शिला है, 4 या 5 करीब पानी में डूब गई, 4-5 इस दुनिया में बची हुई है, जिसमें कि एक शिवलिंग ये भी है।
यह ताला मेरी साधना के अंतर्गत हमको बाबा पशुपतिनाथ के यहाँ दिखाया गया कि तुम्हें ये ताला बांधना है। ये पब्लिक के लिए ताला नहीं था, ये हमको बांधने के लिए बोला गया। और वहाँ एक मंत्र भी मिला था मुझे जाप करने के लिए, इस मंदिर में बैठ के मैं 25 साल से शिव की साधना कर रहा हूँ। वहाँ एक मुझे मंत्र मिला था ओम नमो नमे नमः। ये मैं जानना चाहता हूँ कि इस मंत्र का क्या अर्थ है। बड़े बड़े जो इस धर्म से रिलेटिव लोग हैं, जो जुड़े लोग हैं, इस मंत्र का हमको उच्चारण करके बताएं। ओम नमो नमे नमः। ये बाबा पशुपतिनाथ यहाँ से मुझे ये ताला दिखाया गया और ये मंत्र मुझे दिया गया इस मंदिर में जाप करने के लिए और ताला लगाने के। संगम नगरी प्रयागराज में आघोषित बिजली कटौती से हर कोई परेशान है। जहां लाइट थोड़ी थोड़ी देर पर आ और जा रही है, जिसको लेकर अब लोगों में आक्रोश है। साथ ही अब सड़कों पर कांग्रेसी भी तंगे दिखाई दे रहे हैं। बता दें बिजली की समस्या को लेकर आज कांग्रेस नेताओं ने आज बिजली घर पहुँच कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। और साथ ही उनका कहना है कि जर्जर तार की व्यवस्था उसको सही किया जाए, वरना वो सड़कों पर उतर कर तालाबंदी करेंगे और साथ ही चक्का जाम करेंगे। ऐसे में नाराज कांग्रेस नेताओं ने और महिलाओं ने कार्यकर्ताओं ने जमकर बिजली घर पर विरोध प्रदर्शन किया। क्या कांग्रेस नेता ने, आइए दिखाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में खासतौर से इलाहाबाद प्रयागराज में जिस तरीके से अघोषित बिजली कटौती हो रही है, उसी के खिलाफ आज हम लोगों ने चीफ इंजीनियर बिजली विभाग के यहाँ घेराव किया और धरना प्रदर्शन किया, उनको ज्ञापन दिया। जिस तरीके से इलाहाबाद में पुराने शहरों में बस्तियों में जर्जर तारे हैं, जर्जर ट्रांसफार्मर है, लाइट आ नहीं रही है, रात रात कई दिनों से भी लाइट नहीं आ रही है, उसी के पूरे तमाम मुद्दे को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पे चीफ इंजीनियर का ज्ञापन भी दिया है। और ये मेरी मांग है कि तत्काल 24 घंटे के अंदर शहर की लाइट की व्यवस्था दुरुस्त हो जानी चाहिए, नहीं तो चीफ इंजीनियर के यहाँ ऑफिस के अंदर हम तालाबंदी करके काम करेंगे और चीफ इंजीनियर को यहाँ से निकलने नहीं देंगे, क्योंकि जनता एकदम त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रही है। और यहाँ अधिकारी एसी में बैठे हुए हैं, हम इनको एसी में भी बैठने देंगे नहीं। ये मेरी चेतावनी है, ये मेरी वार्निंग है। मेरा नाम इरशादुल्ला। आज हम लोगों ने बिजली कटौती को लेकर, ये बहुत गंभीर विषय हो चुका है पूरे उत्तर प्रदेश में, शहर या गांव हर जगह बिजली कटौती की जा रही है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार और ऊर्जा मंत्री हमेशा बयान देते हैं कि बिजली की व्यवस्था बहुत सही है, मगर उनकी करनी और कथनी बहुत फर्क है। और आज इस समय जनता इतना त्रस्त आ चुकी है कि जगह जगह ट्रांसफार्मर और बिजली के तार खुले पड़े हैं और जर्जर हालत में है और उसको दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। अगर ये आने वाले समय में इस पर अगर नहीं ध्यान देते हैं तो हम लोग इस पर विशेष कदम उठाएंगे। अब्दुल कलाम आजाद है कि वहाँ 72 घंटे लाइट नहीं है। पहली बात, जो तार लगे हैं सर एकदम जर्जर है। दूसरी बात, ट्रांसफार्मर एक है, वहाँ 3 ट्रांसफार्मर की जरूरत है। आबादी ज़्यादा हो गई है और लाइट जाने पे जेई एक्सीएन एसडीओ कोई कहता कि मेरे पास सामान नहीं, मैं कहाँ से करूँ, और दौड़ाते हैं डेयरी पर, डेयरी गणेशगंज डेयरी रामपुर पावर हाउस। हमारा नाम है संदीप कुमार सिंह। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से वर्ल्ड मीडिया टाइम्स की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें, जहां वर्ल्ड मीडिया टाइम्स ने खबर प्रमुखता से चलाई थी कि परिवहन माफिया डग्गामार वाहन संचालित कर लाखों रुपए का चूना परिवहन विभाग को लगा रहे हैं और हूबहू सरकारी बसों की तरह इसका रंग होता है, जहां पर उत्तर प्रदेश परिवहन की जगह उत्तर प्रदेश परिवार लिखा होता है, जिससे कम पढ़े लिखे लोग भ्रमित होते हैं और साथ ही इस बसों पे सफ़र करते हैं और जिसके बाद उनसे मनमाने तरीके से पैसा वसूला जाता है और कई बार उन्हें रास्ते में उतार दिया जाता है। फिलहाल अब ऐसे में पूरी खबर प्रमुखता से चलने के बाद अब पुलिस एक्शन मोड में आई है और सिविल लाइन थाना प्रभारी की ओर से चेकिंग अभियान चलाया गया और साथ ही कई बसों को सिविल लाइन थाने लाया गया है और उस पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है और गाड़ी को सीज कर दिया गया है और उनका चालान भी किया गया है। लखनऊ में उस समय हड़कंप मच गया जब होटल में पति पत्नी के सुसाइड करने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर नाका स्थित होटल में पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं दोनों पति पत्नी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कागज़ से उनके पास मिले पता चला कि महबूब आलम अंसारी और जेबा अंसारी प्रयागराज के करैली 16 मार्केट के पास के रहने वाले हैं। और फिलहाल क्या कुछ कहना है पुलिस का, आइए दिखाते हैं। पति और पत्नी क्या कुछ पूरा देखिए, ये थाना नाका क्षेत्र में जो चारबाग चौकी क्षेत्र में होटल है, यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी। तो मौके पर जब आकर के देखा गया तो दो पति
पत्नी जो कि कल शाम को यहाँ पर रहने के लिए आए थे, उनके द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की गई और अभी फील्ड यूनिट आ गई है मौके पर और पूरी जांच जो है फील्ड यूनिट के द्वारा निरीक्षण का घटनास्थल किया जा रहा है और जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार दोनों व्यक्ति जो पति पत्नी है वे करेली प्रयागराज के रहने वाले हैं और किन कारणों से इनके द्वारा ये घटना की गई है इसके संबंध में जनता की जांच की जा रही है। मैडम ये 20 दिन के भीतर ये दूसरी घटना है चारवा के किस होटल में ये फांसी की घटना हुई है? देखिए इसके संबंध में तो कुछ वैसे कहा नहीं आ सकता है कि ये लगातार क्यों घटनाएं हो रही है, परंतु अभी जो आज घटना हुई है इसके संबंध में मैम क्या इनके परिवार वालों संपर्क किया गया, कुछ बात हुई कुछ ऐसा बता? परिवार के लोगों को फोन किया गया यहाँ पे और वहाँ के लोकल चौकी जो है थाने से भी संपर्क करके घटना के संबंध में जानकारी दी। मैम ये लोग यहाँ क्या करने आए थे? केस के बारे में जानकारी की जा रही है कि किस पर्पज से यहाँ पर आए। मैम अभी आपने कहा कि ये पति पत्नी थे, इसके बारे में क्या आपने जानकारी दी है? आधार कार्ड के अनुसार जो है उनका और जो रजिस्टर के जो होटल के दस्तावेज है उनके अनुसार दोनों पति पत्नी। आधार कार्ड पत्नी के आधार कार्ड पे क्या पति का नाम है? देखिए अभी प्रथम दृष्टया तो अभी यही समझ में आ रहा है जो उन्होंने होटल के रजिस्टर और जो अपने दस्तावेज दिए।